बोडोलैंड का जिक्र आते ही यही वो तस्वीर है जो सामने उभरती है। सालों से चल रहे बोडोलैंड आंदोलन की इन्हीं तस्वीरों से हम बोडो या बोरो लोगों को समझते रहे हैं, पर नॉर्थ ईस्ट के गेटवे पर बसे बोरो लोगों की दुनिया इससे कहीं बड़ी और कहीं ज्यादा खूबसूरत और समृद्ध है। आज उसी दुनिया में चलते हैं हम। नमस्कार, मैं आत्रेय विश्वास रॉय। नॉर्थ ईस्ट इंडिया देश का सबसे डाइवर्स रीजन है, जहां पर 220 से ज्यादा इंडिजिनस कम्युनिटीज रहती हैं और मैं उनके बारे में आपको बताती रहती हूँ इस चैनल में। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया को करीब से समझने का मौका मिल सके। सड़क और रेल रोड पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया शुरू होता है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से, आसाम के नॉर्थ वेस्ट का पार्ट, और यहाँ रहती है आसाम की सबसे बड़ी कल्चरल लिंग्विस्टिक ट्राइब बोरो। ट्रेडिशनली बोडो कछारी इंडिजिनस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बोडो ट्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिस्टेड और उनकी भाषा बोडो या बोरो 8th शेड्यूल में शामिल है। 2011 सेंसस के मुताबिक 14 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले बोडो लोग ज्यादातर आसाम के कोकराझार और उससे सटे चिरांग, बक्सा और उदालगिरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये चार डिस्ट्रिक्ट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन भी कहलाता है और यही बोडोलैंड अलग स्टेट की डिमांड आज भी होती है। पर 50 साल से भी पुराने इस डिमांड के बारे में दुनिया बहुत बार पढ़ती और सुनती है, पर इस मूवमेंट से अलग भी एक दुनिया बोडो लोगों की है। उनके कल्चर, उनकी फार्मिंग, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी डेवलपमेंट और उनका ये आरनोई, दिखने में शायद एक कपड़ा या फिर एक स्टोल लगे, पर इसके एक एक धागे में बोडो लोगों की संस्कृति, हजारों महिलाओं की मेहनत और उनकी विरासत बुनी हुई रहती है। बोडो लोग जनरली खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं और बोडो महिलाएं घर से बाहर तक खाने का जुगाड़ करती हैं। हैंडलूम और बोडो ड्रेस ये महिलाएं खुद बनाती हैं और दूसरे बोडो लोगों को ये मार्केट में बेचती भी हैं। आरनोई इनकी बनाई हुई एक खूबसूरत हैंडलूम आइटम है जिसको आप भी अपने वार्डरोब में रखना चाहेंगे। घर की बनावट और उनके रीति रिवाज भी बोडो संस्कृति की अलग झलक दिखाते हैं। बोडो लोग ब्रह्मा और बाथो दो रिवाजों से पूजा पाठ करते हैं। ज्यादातर लोग हिंदू धर्म जैसी ब्रह्म रीति से पूजा हवन करते हैं और कुछ लोग बाथो रीति से, जहां बलि और शराब भी प्रसाद होता है, वो करते हैं। वास्तुशास्त्र का भी नायाब उदाहरण है बोडो लोग। आसामी स्टाइल में बनने वाले उनके घर में नॉर्थ ईस्ट साइड में भगवान का मंदिर होता है, जबकि नॉर्थ साइड में घर के मुखिया का कमरा होता है। पर खास बात यह है कि इस कमरे में दूसरों के जाने की मनाही होती है, जबकि गेस्ट के लिए वेस्ट डायरेक्शन में रूम बनाया होता है। बोरो लोगों की लैंग्वेज बोडो है, जिसको पहले आसामीज, फिर रोमन और अब देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी पढ़ी जाती है। पर डेवलपमेंट के पैरामीटर पर बोडो लैंड का ये एरिया बहुत पीछे ही रहा है। रोड से मेडिकल और स्कूल तक की सुविधा में बहुत काम बाकी है। हायर एजुकेशन की कमी की वजह से बोडो लोगों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है और लिटरेसी रेट कम। हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने जब बोडो इंडिजिनस ग्रुप्स के साथ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के लिए एकॉर्ड साइन किया तो कई वादे किए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के साथ स्पोर्ट्स एकेडमी, रेलवे कोच फैक्ट्री, रिम्स के साथ 1500 करोड़ से ज्यादा के पैकेज से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की तस्वीर बदलने का एकॉर्ड 2020 में साइन हुआ था। इस पर काम जारी है और ये जरूरी भी है कि देश जाने समझे बोरो लोगों को, उनकी कल्चर को, उनके खूबसूरत डांस फॉर्म को। बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, लेकिन बगरुम्बा मेरा फेवरेट है। इसे एंजॉय कीजिएगा और बोरो लोगों की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दुनिया जान सके कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका स्वागत सबसे पहले जो करते हैं वो कितने खूबसूरत लोग हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़िएगा। नमस्कार।
Thank you.